बिलारी नगर के शहबाद रोड स्थित डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के संभल लोकसभा के सांसद सत्यपाल सिंह सैनी ने सांसद निधि से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का लोकार्पण किया, जिससे विद्यालय में काफी सुविधा मिलेगी तथा उसके उपरांत सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद सत्यपाल सिंह सैनी का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सांसद ने प्रधानमंत्री के छात्रों के संवाद कार्यक्रम में भागीदारी की और छात्र छात्राओं को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के हित में बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद कार्यक्रम रखा है कि वे अपनी जरूरी जानकारियां दें। इस मौके पर उपजिलाधिकारी कुमार पंकज, कोतवाली प्रभारी कमरुल हसन खान, डॉक्टर मदन बंसल, सुरेंद्र शर्मा, सहकारी समिति के चेयरमैन ललित चौधरी, सत्यवीर सिंह, यशवंत सिंह, अजीत मुन्ना, मुकुल पांडे, संजीव चौधरी, दिनेश, छविराज चावला, विकास गुप्ता, विनय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम आज था। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से परीक्षाओं की समस्याओं के बारे में, बच्चों के बारे में चिंता व्यक्त नहीं करी। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस बच्चों की जटिल समस्या को समाधान करने के लिए परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेकर, एक अच्छे मन से लेकर और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर उन्होंने सीधा सीधा बच्चों से संवाद किया। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए भी दुर्लभ ज्ञान है, पेरेंट्स के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी चूक करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे करते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स करते हैं। अभी अंत में उन्होंने जो अभिभावकों से एक आग्रह किया, संदेश दिया, बहुत बड़ा संदेश है कि 14 वर्ष का अगर बच्चा है, पिताजी अगर 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, पिताजी को भी अपने बच्चे के साथ एक मित्रता का व्यवहार, वो भी 14 वर्ष के बने, ये बन के अगर उसकी समस्या को समझेंगे तो आसानी से समाधान होगा। ये बहुत बड़ा संदेश है पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए दूसरा संदेश एक बहुत बड़ा है कि कभी कभार ये होता है कि मैं जो बनना चाह रहा था मैं वो तो नहीं बन पाया, बन कुछ और गया। सपोज अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, उन्होंने उदाहरण दिया, तो खुद तो डॉक्टर नहीं बन पाया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बेटे की रुचि किसी और में है और हम बनाना चाह रहे हैं उसको डॉक्टर, रोकना चाह रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उसकी किस दिशा की ओर आगे बढ़ने की इच्छा है, तो उसी दिशा में हमको सहयोग करना चाहिए। ये अच्छा रहता है, बच्चे पे मानसिक दबाव नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा आज उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, हम सबको कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई, मुझे लगता है जो कहीं भी प्राप्त नहीं होंगी। ये दुर्लभ ज्ञान उन्होंने दिया और सारी समस्याओं को समाधान करते हुए, मुझे लगता है जिसने बारीकी से इसको सुना है, समझा है, जो मनुष्य के कारण मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, मुझे लगता है जिन्होंने ये चीज़ समझा है और इसके आधार पर अगर हम चलें मिलकर, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, शिक्षक भी, अगर सब लोग चलेंगे तो मुझे लगता है कि 50% समस्याएं तो जन्म ही नहीं लेंगे। नहीं, तो ये बहुत अच्छा था। मैं इस अवसर पर, मेरी लोकसभा क्षेत्र का ये विद्यालय है, इसमें सब लोगों ने सुना, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बच्चों के हित में उन्होंने चिंता व्यक्त करी और परीक्षाओं को कैसे उत्सव के रूप में अच्छे ढंग से लेकर अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, ये उन्होंने इस विकट समस्या का समाधान किया और एक बढ़िया रास्ता उन्होंने बनाया। धन्यवाद।